हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्मार्ट नेशन। योर स्मार्ट नेशन में आज आपका यहाँ पे स्वागत है। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं मुंबई महाराष्ट्र के हालात को लेके और आम जनता की राहत को लेके। पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ने की वजह से, महंगाई बढ़ने की वजह से और टैक्स का बढ़ने की वजह से देखा जाए आम जनता बहुत ही परेशानी में जूझ रही है। इस बीच में यहाँ पे राहत भरी खबर निकल के आ रही है कि GST की सभी परेशानियाँ अब जल्द ही दूर करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने वादा किया है कि कारोबारियों को GST से होने वाली परेशानियों को अब सरकार जल्द ही दूर करेगी, ताकि कारोबारियों को टैक्स का भुगतान करना आसान हो। और उन्होंने स्वीकार किया है कि कर प्रणाली में सुधार की बहुत ज़्यादा अब ज़रूरत है। मंगलवार को दक्षिण मुंबई में राज्य की 32 अलग अलग संस्थाओं के पदाधिकारियों और कारोबारियों की समस्याओं को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने ध्यान से सुना है। महाराष्ट्र BJP के उपाध्यक्ष व व्यापार प्रकोष्ठ के प्रभारी राज के पुरोहित ने बताया है कि GST सहित तमाम टैक्स भरने वाले 200 से ज़्यादा कारोबारियों ने अपनी बात रखी है, जिसे का हल अब देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री ने वादा कर दिया है। इस अवसर पर फार्म के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र शाह ने बताया है कि सोलापुर, पुणे, नासिक, ठाणे, नवी मुंबई सहित राज्य के अन्य हिस्सों में आए व्यापारियों ने व्यापार करने में आ रही है दिक्कतें, और इसी के साथ हमें उम्मीद है कि जल्द ही रास्ता निकाला जाएगा। तो केंद्रीय वित्त मंत्री राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने अब वादा कर दिया है कि GST की जो भी परेशानियां हैं वो जल्द दूर की जाएगी।